दिशा और दशा है, आइए इसको जानने का एक प्रयास करते हैं कि सर्कस वर्तमान में इस इंडस्ट्री का क्या हाल है। इसको जिंदा रखना हम लोग का मेन मकसद है। इस कले से जुड़ा हुआ हम लोग का एक एक सर्कस में 100-150 लोगों का परिवार है, उनका पेट चल रहा है, उनको अपना रोजगारी चलाने के इसके अलावा कहीं और ना कोई नौकरी मिलेगा ना कोई चांस है। तो इन लोगों का रोजी भी चलना जरूरी है और इस कला को भी जिंदा रखना जरूरी है। हर जगह जहाँ जाओ जमीन मिलना ही मुश्किल, और जमीन ग्राउंड वगैरह मिल गया तो मेन ग्राउंड मिलेगा नहीं, कहीं आउट में मिलेगा तो सर्कस में पब्लिक इतना दूर जाना नहीं चाहता है। ऐसे कई कष्ट है जिससे थोड़ा सा प्रशासन अगर कोशिश करेंगे हर जगह सर्कस के लिए बढ़िया ग्राउंड वगैरह अलॉटमेंट दिया जाए और आर्टिस्ट वगैरह जो एक से एक कला अपना है उनको जिंदा रखें, पब्लिक के साथ हम लोग भी कोऑपरेट करके चलें, ये सब तो होना चाहिए। ये सब ज़्यादा हम लोग का साथ में कंफ्यूजन है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी तो सब चल रहा है। हम लोग तो इसी में खेल सीखा है, तो हम लोग को तो सर्कस ही में रहना है, मरना है या जीना, तो इसके लिए कम से कम सरकार हम लोग के लिए कुछ सोचता था। एक ही है जो स्टेट जो है केरला का वहीं का सिर्फ जो है सो आदमी लोग को पेंशन दिया जाता है, और बाकी तो इधर यूपी बिहार इधर का कोई सरकार अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा हम लोग के लिए। खाली कुर्सियाँ, मरणासन जानवर, अब ना तो वैसे दर्शक हैं ना ही इस कला संस्कृति और इस आर्ट को उस प्रकार का पुरस्कार पैसा और प्यार मिल रहा है। कलाकार जिसने पूरा जीवन इस पे समर्पित किया, अब ये सवाल पूछता है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि ये जो हमारी संस्कृति कला और परंपरा का सुंदर मिश्रण है, इसको किस प्रकार से सहज के बचा करके रखा जाए। गुजरात और केरला में कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अत्यंत खेद का विषय है कि इस सुंदर कला संस्कृति और परंपरा को हम बचा कर नहीं रख पा रहे हैं। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी।